नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भटनेर आईएएस में। लास्ट क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग, जिसको सांकेतिक भाषा या कूट लेखन कहते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर समझने के लिए जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था, उसमें आपको ए से जेड तक के अक्षरों की नंबरिंग कैसे याद की जाएगी उनके बारे में बात की गई थी। और जो ये 26 अक्षर हमारे पास होते हैं, जो 26 अल्फाबेट हमारे होते हैं, इनको हर दो अक्षरों का एक ग्रुप भी बनाया जाता है, हमने उस ग्रुप के बारे में भी बात की थी। आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए, तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेटमेंट मैं आपको पहले बता चुका हूं, स्टेटमेंट रहेगी कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग का हिंदी में नाम है, यमुना को BDPXQD कहा जाता है तो जेब्रा का कोड क्या होगा। हर एक क्वेश्चन में हमारी स्टेटमेंट यही रहने वाली है, तो मैं डायरेक्ट यहां कुछ प्रश्न लिखे हैं, इन प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। और हमारे जो पहले पहले प्रकार के जो प्रश्न बन रहे थे, टाइप वन के जो क्वेश्चन थे, वो थे जब कभी आपको स्पेलिंग दी गई हो, उसका एक कोड दिया गया हो, और दिया गया प्रश्न नंबरिंग पे आधार पर हल होगा। यही था टाइप वन अपना, कि जो भी प्रश्न आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे प्रश्न नंबरिंग के आधार पर हल होने वाले हैं। आइए पहले प्रश्न की बात करने जा रहा हूं मैं। हमें प्रश्न लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यमुना, और यमुना का कोड है BDPXQD, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यमुना का कोड BDPXQD है तो जेब्रा का कोड क्या होगा। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा सबसे पहला काम होता है दिए गए अक्षर की नंबरिंग। मैं नंबरिंग करने जा रहा हूं। वाई की अगर बात की जाए, वाई अल्फाबेटिकली 25th लेटर है। ए आता है एक नंबर पे, एम 13 पे, यू 21, एन 14 और ए 1। आपको बताया गया था कि जब भी कभी नंबरिंग की बात की जाए तो नंबरिंग हमेशा दोनों तरफ लगाई जाएगी। जो स्पेलिंग होगी, जो उसका कोड किया जाएगा, बी 2 पे, डी 4 पे, पी 16 पे, एक्स 24, क्यू 17 और डी 4। अब मैं इनके बीच का रिलेशन देखने जा रहा हूं कि यमुना को किस बेस पे BDPXQD लिखा गया है। देखिए, ये है वाई, और वाई का रिलेशन दिखाया गया आपको बी के साथ। तो इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए हम इन 26 अल्फाबेट्स की बात करते हैं, मैं अगर इन 26 अल्फाबेट्स को लिखना स्टार्ट करता हूं तो एक्स वाई जेड आया हमारे पास, जेड के बाद फिर से ए से रिपीट होना ये स्टार्ट हो जाता है। अब इसको याद रखिएगा, जेड के बाद फिर से ए बी सी रिपीट होना स्टार्ट होगी। ये भी कहा जा सकता है कि हर बार नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमें कई बार ए को 27वां या बी को 28वां अक्षर भी कहा जा सकता है। जैसे अगर इसकी बात की जाए बी की, और अगर मेरे को वाई से पहुंचना है बी पर, मैं वाई से बी पे पहुंचना चाहता हूं, यानी कि मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं, आगे की ओर बढ़ रहा हूं, तो कुछ ना कुछ जोड़ कर लिखा गया होगा। कितना जोड़ा गया चेक करता हूं मैं। वाई में अगर मैं एक जोड़ता तो जेड पे पहुंचता, दो जोड़ता तो ए पे पहुंचता, और तीन जोड़ता तो बी पे पहुंचता। तो मैं यहां कह सकता हूं कि अगर वाई को बी बनाया गया है तो यहां पे तीन जोड़ के लिखा गया है, तीन ऐड किया गया है। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर जेड 26वां अक्षर होता है तो मैं ए को 27वां और बी को 28वां अक्षर भी तो गिन सकता हूं। तो अगर मैं बी को 28वां अक्षर मान लेता हूं तो 25 + 3 = 28, यानी कि अगर पहले पहले अक्षर की बात की जाए तो इसमें तीन जोड़कर लिखा गया। ए आता है पहले नंबर पे और डी आता है 4 पे, एम 13, पी 16, यू 21, एक्स 24, तो पूरी की पूरी सीरीज आपको प्लस 3 की दिखाई दे रही होगी। तो यहां अगर मैं इन सब में भी तीन तीन जोड़कर लिखने वाला हूं तो क्या होने जा रहा है, क्या हमारा फाइनल आंसर होगा। जेड में अगर मैं तीन जोड़ूंगा तो सी आएगा, ये रहा जेड प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। जेड में जैसे तीन जोड़ूंगा मैं सी पे पहुंच जाऊंगा, ई में तीन जोड़ेंगे एच, बी में दो तीन जोड़ेंगे ई, आर में तीन जोड़ेंगे यू और ए में तीन जोड़ेंगे डी। तो हमारे पहले प्रश्न का आंसर प्राप्त हुआ CHEUD, और जो इसमें लॉजिक अप्लाई किया गया है वो प्लस तीन की सीरीज है। आपको बताया गया था कि पूरी की पूरी सीरीज प्लस की, या पूरी की पूरी सीरीज माइनस की, या एक बार प्लस और एक बार माइनस, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करने जा रहा हूं, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बियरर, BEARER, बियरर का कोड है YBXOBO। तो नंबरिंग करने जा रहा हूं मैं, 2, 5, 1, 18, 5, 18, इस तरफ की बात की जाए 25, 2, 24, 15, 2 और 15, नंबरिंग दोनों तरफ कर दी गई है। अब नंबरिंग के बाद देखिएगा, यहां बी और यहां पे वाई, जब मैं वाई से बी पे पहुंचा था तो मैं कह रहा था कि तीन जोड़ा गया, जब मैं पहले प्रश्न में वाई से बी पे पहुंचा तो तीन जोड़ा गया था, आगे की ओर बढ़ रहा था मैं। लेकिन अगर बी से वाई पे पहुंचा जाए तो वही तीन माइनस किया गया। ध्यान दीजिए, बी बी में से एक माइनस, बी में से दो माइनस, बी में से तीन माइनस, और जैसे मैंने बी में से तीन माइनस किया मैं कहां पहुंच गया, वाई पे। तो यहां श्रृंखला तीन प्लस की थी, चेक करने जा रहा हूं मैं क्या यहां पे पूरी की पूरी श्रृंखला तीन माइनस की चल रही है।
तीन माइनस, फिर से तीन माइनस, फिर से तीन माइनस, ए में से देखिए तीन माइनस करने जा रहा हूं मैं, ए एक माइनस करता जेड, दो माइनस करूंगा वाई, तीन माइनस करूंगा एक्स, तो यहां पे भी तीन माइनस करके लिखा गया और आगे क्लियरली दिखाई दे रहा है तीन माइनस और तीन माइनस, तो पूरी की पूरी दी गई श्रृंखला माइनस तीन की दिखाई दे रही है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा, सब में से तीन तीन माइनस करना है। यह आता है बीस पे, बीस माइनस तीन सत्रह, सत्रहवां अक्षर क्यू, ई पांच, पांच माइनस तीन दो, दूसरा अक्षर बी। ए की बात की जाए तो ए में से तीन माइनस किया था, हमें क्लियरली पता था क्या आएगा एक्स, यहां पर मैं एक्स लिख सकता हूं। अब आया सी, सी में से तीन माइनस करने जा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए सी में से तीन माइनस कैसे होंगे, सी सी में से एक माइनस करूंगा, दो माइनस करूंगा, तीन माइनस करूंगा, पहुंच गया मैं जेड पे। एच आता है आठ पे, तीन माइनस पांच, पांचवा अक्षर ई, ई आता है पांच पे, तीन माइनस दो, दूसरा अक्षर बी। आर आता है अठारह, अठारह माइनस तीन पंद्रह, पंद्रह अक्षर, तो इसका आंसर कहा जाएगा क्यू बी एक्स जेड ई बी ओ। पहले प्रश्न में प्लस की सीरीज थी प्लस तीन की, दूसरे प्रश्न में सीरीज बनी माइनस के तीन की। नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, रिवर का कोड ये है तो ब्रिज का कोड क्या होगा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यदि रिवर का कोड जेड ए डी डब्ल्यू जेड है तो ब्रिज का कोड क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में इस प्रश्न का मैं आपको आंसर बताऊंगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, रिवर का कोड ये है तो ब्रिज का कोड क्या होगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिएगा, आपको बताया जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। आइए नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करने जा रहा हूं, यहां प्रश्न है तो नंबरिंग क्या है, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल रहा है इसको करने का, किस तरह से बदल रहा है देखिएगा। आपको मैंने कहा था पूरी की पूरी सीरीज प्लस की हो सकती है, पूरी की पूरी सीरीज माइनस की हो सकती है, एक बार प्लस एक बार माइनस हो सकता है, या शुरू के तीन प्लस लास्ट के तीन माइनस, कुछ भी पॉसिबल है। हम नंबरिंग के बाद ये देखेंगे कि क्या होने जा रहा है, कुछ इसी प्रकार का ये प्रश्न दिखाई दे रहा है हमें। अगर आर की बात की जाए, आर अठारह, ई पांच, टी बीस, ए एक, आई नो और एल बारह, नंबरिंग दोनों तरफ करेंगे हम, यू इक्कीस, एफ छह, एस उन्नीस, बी है दो पे, जे है दस पे और एम है तेरह पे। अब जैसे ही मैंने इसकी नंबरिंग की तो देखिए अब क्या होने जा रहा है, किस आधार पे ये प्रश्न सॉल्व होगा। मैं इस प्रश्न को एक बार यहीं रोकना चाहूंगा क्योंकि ये प्रश्न समझने के लिए पहले मैं जो लास्ट प्रश्न लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसको क्लियर करना चाहूंगा। इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न समझना काफी आसान होने वाला है हमारे लिए, ध्यान देना। नंबरी करने जा रहा हूं मैं, एम ओ एन के ई एंड वाई, एक्स डी जे, एम एन एंड एल। प्रश्न बिल्कुल वही है, या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, लेकिन करने का तरीका इसलिए अलग है। यहां जितने भी प्रश्न हमने किए, जो लास्ट क्लास में किए थे या जो आज के ये तीन प्रश्न किए हैं, इनमें एक चीज कॉमन है कि यहां जो भी प्रश्न सॉल्व हो रहा था वो पहले अक्षर से हो रहा था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां जैसे ही आपने नंबरिंग की, नंबरिंग के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें सीरीज माइनस की है और माइनस भी किस तरह से रिवर्सिंग ऑर्डर में, उल्टे क्रम में लास्ट के अक्षर से इसको हल करना प्रारंभ किया गया है। एक माइनस, फिर से एक माइनस, फिर से एक माइनस, फिर से एक माइनस, फिर से एक माइनस और फिर से एक माइनस, पूरी की पूरी श्रृंखला माइनस की है, लेकिन फर्क यह है कि इस प्रश्न को पहले अक्षर से नहीं अंतिम अक्षर से स्टार्ट किया गया है। तो यहां अगर मैं टाइगर को स्टार्ट करूंगा तो मेरा आंसर आर से प्रारंभ होगा, आर में से एक माइनस क्यू, ई में से एक माइनस डी, जी में से एक माइनस एफ, आई में से एक माइनस एच और टी में से एक माइनस एस। तो अब ये प्रश्न अगर समझ में आया तो काफी हेल्प मिलेगी हमें ये वाला प्रश्न समझने के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये प्रश्न था हमारा रिवर्सिंग ऑर्डर में, रिवर्सिंग ऑर्डर मतलब कि उल्टे क्रम में स्टार्ट किया गया था, लास्ट अक्षर से हल करना प्रारंभ किया गया था, कुछ कुछ ऐसा ही इस प्रश्न में होने जा रहा है। आइए हल करते हैं इसको। रिटेल, रिटेल का कोड है यू एफ एस बी जे और एम। हमें जो स्पेलिंग रिटेल दिखाई दे रही है, इस रिटेल स्पेलिंग में टोटल छह अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तो कई बार ये प्रश्नों को कुछ इस तरह से भी हल कर सकता है कि एक स्पेलिंग को दो बराबर भाग में बांट लिया जाएगा। जैसे रिटेल में हमें टोटल छह अक्षर दिखाई दे रहे हैं, इन छह अक्षरों को अगर मैं दो बराबर भाग में बांटता हूं तो शुरू के तीन अक्षर और ये बाद के तीन अक्षर, यहां पर भी ध्यान दीजिए शुरू के तीन अक्षर और ये बाद के तीन अक्षर, तो इनको कैसे हल करने जा रहा हूं मैं। इस प्रश्न में रिवर्सिंग ऑर्डर था, उल्टे क्रम में, कुछ ऐसा ही यहां होने जा रहा है। आर ई टी ए आई एल, अब देखिएगा इसको मैंने बांट दिया दो बराबर भागों में, ट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया,
इसको भी मैंने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब क्या रिवर्सिंग ऑर्डर का रूल यहां पे लग रहा है, देखने जा रहा हूं मैं। आर एक जोड़ा 19, ई एक जोड़ा एफ, टी एक जोड़ा यू, या आप यू कह सकते हैं रिवर्सिंग ऑर्डर, मतलब कि एक दो तीन, शुरू के तीन अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया। टी में एक प्लस किया गया, इसमें एक प्लस किया गया और इसमें भी एक प्लस किया गया, लेकिन अगर आगे के अक्षर देखे जाएं, प्लस तो किया, अब रिवर्सिंग ऑर्डर नहीं, अभी उसी क्रम में लिख दिया गया है, प्लस एक और प्लस एक, यानी कि एक ही स्पेलिंग को दो बराबर भागों में बांटने के बाद शुरू के तीन अक्षरों को तो रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखा है, जबकि बाद के अक्षरों को वैसा का वैसा लिख दिया गया। कुछ इस तरह से हल किया गया प्रश्न। तो एक्सपेक्ट का कोड जब मैं फाइंड करूंगा, इसको भी सबसे पहले दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उल्टे क्रम में पी में एक जोड़िएगा क्यू, एक्स में एक जोड़िए वाई, ई में एक जोड़िए एफ। स्टार्टिंग के तीन अक्षर रिवर्सिंग ऑर्डर में उल्टे क्रम में हल किए गए हैं, लेकिन बाद के तीन अक्षर एज इट इज रखे गए हैं, बिल्कुल सेम रखे गए हैं। ई में एक जोड़िएगा एफ, सी में एक जोड़िएगा डी और टी में एक जोड़िएगा यू। तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा, क्यू वाई एफ एफ डी और यू। तो यह प्रश्न था जब आपको एक स्पेलिंग को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद उनको हल किया गया है। और कुछ ऐसा ही प्रश्न हमारा पांच नंबर है, यहां पे भी एक स्पेलिंग को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद सोल्व किया जाएगा। आप इस प्रश्न को अपने आप करके देखेगा, मैं आपको बता रहा हूं कि इसका आंसर आपको क्या प्राप्त होना चाहिए। इसका आंसर आपको प्राप्त होना चाहिए सी बी डी आर डी और के। मैं आपको आंसर बता रहा हूं इस क्वेश्चन का, केबल्स का कोड आपसे पूछा गया, एब्सेंट का कोड आपको दिया गया, इसका आंसर होना चाहिए सी बी डी आर डी के। किस तरह से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। इस स्पेलिंग को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड जैसे ही आप करेंगे, नंबरिंग करेंगे, आपको दिखाई देगा प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आप करके देखेगा, ये आपका आंसर इसमें मैच होना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्नों की कुछ बात करते हैं। अब हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ चेंज होने जा रहे हैं, कुछ नए प्रकार के प्रश्नों की मैं बात करने जा रहा हूं, कि अगर प्रश्न कुछ इस तरह से पूछ लिया जाए जिसमें नंबरिंग का कुछ काम ना हो, तो बिना नंबरिंग के प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, क्या उनका पैटर्न रहने वाला है, करने का तरीका क्या होगा, मैं उन क्वेश्चंस की बात करने जा रहा हूं। मैं बोर्ड पर एक प्रश्न लिखने जा रहा हूं, यदि एक वर्ड है डॉक्यूमेंट, डी ओ सी यू एम ई एन टी डॉक्यूमेंट, एक स्पेलिंग है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मान लीजिए कोड आपको फाइंड करना हो, माफ कीजिएगा, इसका कोड आपको फाइंड करना हो और स्पेलिंग जो आपको दी गई है मैं ऊपर लिख रहा हूं पी आर ए सी टी आई सी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का कोड है पी आई सी सी टी आर ए ई। प्रैक्टिस का कोड आपको दिया गया है पी आई सी सी टी आर ए ई और डॉक्यूमेंट का कोड आपसे पूछा गया है। यहां अब ये टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, सेकंड टाइप के क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, जो नंबरिंग पर आधारित नहीं है। पहले के प्रश्न जो थे हम दोनों तरफ नंबरिंग करते थे, उनको आपस में कंपेयर किया जाता था, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, कुछ इस प्रकार होते थे। यहां जो प्रश्न स्टार्ट होने जा रहे हैं, यहां नंबरिंग का कोई रोल नहीं है। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा, पी आर ए सी टी आई सी ई, पी आर ए सी टी आई सी ई, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां कोई नया अक्षर नहीं आ रहा, पुराने अक्षरों की पोजीशंस को बदल के लिख दिया गया है और कुछ भी नहीं है। ये कहलाते हैं हमारे इंटरचेंजिंग के क्वेश्चन। इंटरचेंजिंग यानी कि स्थान परिवर्तन, इन अक्षरों का आपस में स्थान परिवर्तन कर दिया गया, स्थान बदल दिया गया एक दूसरे के साथ, नया अक्षर कोई भी नहीं है। तो जो चेंज यहां होगा वही चेंज हम डॉक्यूमेंट में करने वाले हैं। तो अगर कभी कोई इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन हमें दिखाई दे तो हम यह देखेंगे कि क्या कोई ऐसे अक्षर हैं जिनकी स्टार्टिंग की पोजीशन और बाद की पोजीशन सेम ही पड़ी हो, क्योंकि ऐसे अक्षर जिनकी पोजीशन चेंज हुई नहीं है। पहला और लास्ट पी एंड ई, पहला और लास्ट पी एंड ई, इनकी पोजीशन कहीं नहीं बदली गई। अब मैं देखता हूं बिल्कुल बीच के दो अक्षर सी और टी, सी और टी, तो क्या क्लियर हुआ हमें, हमें क्लियर हुआ कि पहला और लास्ट अक्षर नहीं बदला गया और बिल्कुल बीच के भी दो अक्षर नहीं बदले गए हैं। इन अक्षरों को तो इसने बदला नहीं है, सेम का सेम लिख दिया। तो यहां मैं क्या करूंगा, डी और टी की पोजीशन सेम रखूंगा, डी और टी की पोजीशन सेम रख दी और बिल्कुल बीच के दो अक्षर, और बिल्कुल बीच के दो अक्षर यहां पे कौन से बन रहे हैं, यू और एम, तो मैंने यू और एम की पोजीशन भी सेम रख दी। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जिन अक्षरों की पोजीशंस को बदला गया है उनको किस तरह से बदला गया है। टी के साथ के दो अक्षर आर और ए,
ये पहुंच चुके हैं लास्ट लेटर के साथ, ध्यान दीजिए, पी के साथ के दो अक्षर आर और ए लास्ट लेटर के साथ पहुंच चुके हैं, और लास्ट के साथ के दो अक्षर स्टार्टिंग में आ चुके हैं। जो पहले पहले अक्षर के साथ के दो अक्षर थे वो लास्ट के अक्षर के साथ चले गए, और लास्ट के अक्षर के साथ के दो अक्षर पहले वाले अक्षर के साथ आ गए। तो अगर यहां कुछ ऐसा है तो इसमें भी करना पड़ेगा हमें, यहां से दो अक्षर जाएंगे कौन से, ओ और सी, मूव होकर लास्ट वाले अक्षर के साथ, और यहां से दो अक्षर जो लास्ट वाले अक्षर के साथ हैं ये आएंगे पहले वाले लेटर्स के साथ। तो प्रैक्टिस का कोड अगर पी आई सी सी टी आर ही है तो डॉक्यूमेंट का कोड क्या कहा जाएगा, डी ई एन यू एम ओ सी और टी। ये है हमारे इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्न जिसमें अक्षरों की व्यवस्था को आपस में बदल दिया जाता है, क्रम को आपस में बदल दिया जाता है, पोजिशन को आपस में बदल दिया जाता है, कोई नया लेटर आपको कभी नहीं दिखाई देगा। आइए कुछ और प्रश्न करते हैं इसके। मान लीजिए प्रश्न है टीचिंग, टी ई ए सी एच आई एन जी, टीचिंग, टीचिंग का कोड है सी एच ई ए टी आई एन जी। मैं आपसे पूछता हूं ग्रेडियंट का कोड, जी आर ए डी आई ई एन टी ग्रेडियंट। एंड वन मोर क्वेश्चन, इफ चंडीगढ़, सी एच ए एन डी आई जी ए आर एच, चंडीगढ़ एक स्पेलिंग है चंडीगढ़, और मान लीजिए चंडीगढ़ का कोड है हमारे पास डी एन ए एच सी एच आर ए आई जी, सॉरी एच आर ए जी आई, ये दिया गया। और मैं आपसे पूछूं सिक्किम का कोड क्या होगा, ये प्रश्न हमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या करने जा रहा हूं मैं, पहले लेटर्स चेक करता हूं क्या सेम है, टी ई ए सी एच आई एन जी, टी ई ए सी एच आई एन जी, बिल्कुल सेम लेटर। तो क्या इसमें कोई पोजीशन ऐसी है जो बदली नहीं है, अनचेंज्ड ऐसी कोई पोजीशन जो इनिशियल में और लास्ट में बिल्कुल सेम हो, आई एन जी आई एन जी, लास्ट के तीन लेटर इसने नहीं बदले हैं, इसको एज इट इज रखा गया, बिल्कुल सेम रखा गया, कोई भी परिवर्तन किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया। तो यहां मैं इसको सेम रखता हूं ई एन टी को, क्योंकि जो चेंज ऊपर होगा वही चेंज नीचे की तरफ होने वाला है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, अब जो अक्षर बदले गए उनको किस तरह से बदला गया मैं उसकी बात करने जा रहा हूं, टी ई ए सी एच, टी ई ए सी और एच, तो मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, आई एन जी लास्ट के तीन अक्षरों के साथ के जो दो अक्षर थे सी और एच पहले आ गए, तो यहां लास्ट के तीन अक्षरों के साथ के दो अक्षर डी और आई पहले आने वाले हैं, ये भी पता चल चुका है। लेकिन अब जो बाकी के जो अक्षर थे उनमें क्या चेंज किया गया है, टी ई ए, अगर मैं ये कहूं कि जैसे इन दोनों को लिखा था फिर इसके जस्ट बाद आने वाले दो अक्षरों को लिख दिया गया ई और ए को, तो ये भी सही है, इसके बाद के दो अक्षर क्या लिखे जाएंगे आर और ए, लास्ट लेटर बचा टी, यहां से क्या बचेगा जी, तो हम क्या कहेंगे डी आई आर ए जी ई एन टी, सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंजिंग हो रही है और कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है नंबरिंग से, कोई मतलब नहीं है हमें ग्रुप से। तो ये प्रश्न काफी आसान होते हैं, बस हमें यह देखना है कि अक्षरों की पोजीशन कैसे बदली गई है। लेकिन कई बार प्रश्न हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, जैसे ये प्रश्न है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का कोड ये दिखाई दे रहा है आपको डी एन ए एच सी एच आर ए आई जी एच, सॉरी एच आर ए जी आई दिखाई दे रहा है अपने को, सिक्किम का कोड पूछा गया, ये इसमें प्रॉब्लम क्यों आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर सेम नहीं है, जो सबसे ऊपर प्रश्न करवाया गया था प्रैक्टिस इसमें नंबर ऑफ लेटर सेम थे, यहां नंबर ऑफ लेटर सेम है लेकिन यहां नंबर ऑफ लेटर सेम नहीं है, यहां चेंज हो रहे हैं, चंडीगढ़ में 10 अक्षर थे तो सिक्किम में सिर्फ 6 ही अक्षर हैं, तो इस कंडीशन में क्या करें मैं उसकी बात करने चाह रहा हूं। सी एच ए एन डी, सी एच ए एन डी आई जी ए आर एच, आई जी ए आर एच, अगर मैं ये कहूं कि चंडीगढ़ स्पेलिंग जो है मैं इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, शुरू के पांच और बाद के पांच, यहां भी मैंने डिवाइड कर लिया, शुरू के पांच और बाद के पांच डिवाइड कर लिया गया। अब डिवाइड करने के बाद मैं देखता हूं कि अब क्या होने जा रहा है, सी एच ए एन डी शुरू के पांच अक्षरों को उल्टा करके लिखा गया सी एच ए एन डी, एक स्पेलिंग इसको दो बराबर भाग में बांटने के बाद रिवर्सिंग ऑर्डर, शुरू के पांच को उल्टा करके लिखा आई जी ए आर एच, आई जी ए आर एच इसको भी उल्टा करके लिखा है, तो यहां भी मैं क्या करूंगा इस स्पेलिंग को दो बराबर भाग में बांट लूंगा, अगर छह अक्षरों की स्पेलिंग है तो शुरू के तीन और बाद के तीन, इसके बाद क्या होने जा रहा है, शुरू के तीन अक्षर को रिवर्सिंग ऑर्डर में अगर मैं लिखता हूं तो बनेगा के आई एस, और अगर बाद के अक्षरों की बात की जाए के आई एम, क्योंकि ऊपर की स्पेलिंग में कुछ ऐसा ही हो रहा था,
एक स्पेलिंग को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद रिवर्सिंग ऑर्डर में उल्टे क्रम में लिखा गया था, तो कुछ ऐसा ही मैं यहां करने जा रहा हूं। सिक्किम, एस आई के के आई एम, सिक्किम। शुरू के तीन अक्षर एस आई और के, इसको उल्टा करके लिखा गया तो के आई एस। बाद के तीन अक्षर के आई एम, अगर इसको मैं विपरीत क्रम में लिखता हूं तो बनेगा एम आई के। तुम्हारा आंसर क्या कहलाएगा? के आई एस एम आई और के। तो अगर नंबर ऑफ लेटर सेम नहीं हो तो कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब मैं आपके सामने दो प्रश्न ऐसे लिखने जा रहा हूं जो एग्जाम में आए तो कई बार गलती के चांस हो जाते हैं। अब क्या होने जा रहा है, मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं दो क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्न है वो भी, लेकिन उसमें गलती क्यों हो सकती है, किस आधार पर प्रश्न बनते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, यदि ए एन डबल ई एल, अनिल का कोड है एन ए डबल ई एल, मैं आपसे कह दूं कि फाइंड द कोड ऑफ नीरू, ये पूछा गया, सेम लेटर है, नया कुछ नहीं है, ए एन डबल ई एल, ए एन डबल ई एल, अनिल, नीरू का कोड आपसे पूछा गया, तो मैं क्या करने जा रहा हूं इसमें। सबसे पहले मैं ये देखता हूं जो ए और एन था इसको इसने बदल दिया, एन और ए कर दिया, आपस में चेंज कर दिया, पहले को बाद में और बाद वाले को पहले लिख दिया, डबल ई यहां पे भी डबल ई और एल की पोजीशन सेम है, स्टार्टिंग के दो आपस में बदले गए, लास्ट की पोजीशन सेम है, लेकिन क्या आप थर्ड और फोर्थ लेटर के बारे में कोई जानकारी दे पाएंगे, इनको बदला है या नहीं बदला, क्योंकि अगर मैं इनको चेंज करता हूं, अगर मैं इनको चेंज करता हूं तब भी इनकी पोजीशन डबल ही रहेगी, और अगर मैं इनको चेंज नहीं करता तब भी इनकी पोजीशन डबल ही रहेगी, लेकिन इसका फर्क इस पर जरूर पड़ने वाला है। मान लीजिए स्टार्टिंग के दो में मैंने चेंज कर दिया ई और एन, अब कुछ लोग ये कहें कि भाई इसको तो बदला गया है आपस में, ये जो डबल ई था इसको आपस में इंटरचेंज करके लिखा है, तो मैं इसको भी इंटरचेंज कर देता हूं और लास्ट वाला सेम, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई इसको नहीं बदला गया, इसको सेम का सेम लिखा गया, तो एन ई को तो मैंने ई एन लिखा, और अगर यहां पे ये दोनों सेम है तो ये भी दोनों सेम रहने वाले हैं ई आर और यू, और एग्जाम में हमें दोनों ही ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं, पहला भी और दूसरा भी, एक ही प्रश्न के दो आंसर कभी पॉसिबल नहीं है, तो वहां आपको एक ऑप्शन ऐसा जरूर दिखाई दे रहा होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता या तय नहीं किया जा सकता, तब हमें उसी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, एक ही प्रश्न के दो आंसर तो पॉसिबल हो नहीं सकते, लॉजिक यहां पे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, तो यहां स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं कि वो क्लियर नहीं कर पाते, डबल ई को बदला है नहीं बदला, कुछ लोगों को लगेगा बदला है, कुछ लोगों को लगे नहीं बदला, तो आप या तो ये आंसर लगा के आ सकते हैं ये वाला, जबकि दोनों ही गलत है। हम आंसर क्या कहेंगे इसमें कि तय नहीं किया जा सकता, आपको 100% ऑफ ऑप्शन जरूर दिखाई देगा कि तय नहीं किया जा सकता, और तय क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें पोजीशन क्लियर नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा प्रश्न बनता है पोजीशन क्लियर नहीं होती लेकिन फिर भी आंसर आएगा, वो कंडीशन क्या है, वो प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और जो प्रश्न मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं ये सी सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। प्रश्न है मान लीजिए हमारे पास एस वाई एस टी ई एम, सी सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, सिस्टम का कोड है एस वाई एस एम ई टी, नियरर एन ई ए आर ई आर, नियरर इसका कोड है ए ई एन आर ई आर, और मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया कोड फ्रैक्शन F R A C T I O N फ्रैक्शन, सिस्टम का कोड आपको दिया गया है, नियरर का कोड आपको दिया गया है, और मैं आपसे फ्रैक्शन का कोड जानना चाहता हूं। हम अब तक जो प्रश्न कर रहे थे उसमें एक ही स्पेलिंग बनाकर देता था हमें और दूसरी हमसे पूछी जाती थी, पहला एक ऐसा प्रश्न हमारे सामने आया जिसमें एक की जगह दो स्पेलिंगें बनाकर दे दी गई और दो स्पेलिंगें देने के बाद एक पूछी गई है, तो क्यों दो दी इसने उसकी बात करने जा रहा हूं मैं। एस वाई एस, एस वाई एस टी एम एम ई टी, लास्ट के तीन अक्षरों की कहानी हमें क्लियरली पता चल रही है कि इसने बदला है, लास्ट के तीन अक्षर को उल्टा करके लिखा है, टी ई एम को इसने एम ई टी बनाकर लिख दिया गया है, लेकिन शुरू के तीन अक्षरों के बारे में क्या आप जानकारी दे पाएंगे, एस वाई एस, एस वाई एस हमें नहीं पता, क्योंकि अगर मैं इसको चेंज करता हूं, अगर मैं इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखता हूं तब भी एस वाई एस रहेगा, अगर मैं इसको सेम लिखता हूं तब भी ये एस वाई एस ही रहने वाला है, तो हमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा कि शुरू के तीन अक्षरों की कहानी क्या है, बदला है या नहीं बदला, तो भी मैं हेल्प लेता हूं नेक्स्ट, इससे हेल्प लेता हूं मैं थोड़ी,
NEA, इसने इसको क्या लिख दिया, AEN, बदला है भाई, शुरू के तीन अक्षर थे NEA, इसने बना दिया AEN, यानी बदल के तो लिखा है। और हमें यह बात भी क्लियर है कि एक प्रश्न पे तो केवल एक ही प्रकार का लॉजिक अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर यहां के शुरू के तीन अक्षर रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखे, उल्टे क्रम में लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं यहां के भी तीन अक्षर पक्का उल्टा क्रम में लिखे होंगे, यह बात पता चल चुकी है हमें। यहां के लास्ट के तीन अक्षर आर ई आर और आर ई आर, अब इनके बारे में पता नहीं चल रहा मुझे, आर ई आर को अगर मैं आपस में बदल देता हूं तब भी आर ई आर रहेगा, नहीं बदलता तो आर ई आर रहना ही है। तो क्या मैं लास्ट के तीन अक्षरों के बारे में कुछ कंफर्म कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, पहले वाली स्पेलिंग के आधार पर। पहले वाली स्पेलिंग में प्रॉब्लम क्या थी कि शुरू के तीन अक्षर पता नहीं चल रहे थे और बाद वाली स्पेलिंग में लास्ट के तीन अक्षर पता नहीं चल रहे, लेकिन अगर दोनों को एक साथ देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि शुरू के तीन अक्षरों को भी बदला गया है और लास्ट के तीन अक्षरों को भी बदला गया है। यानी इस प्रश्न में हम क्या कह सकते हैं, एक स्पेलिंग को दो बराबर भागों में बांटा गया, शुरू के तीन बाद के तीन रिवर्सिंग और उल्टे क्रम में, शुरू के तीन फिर बाद के तीन ये भी उल्टे क्रम में, तो एक ही स्पेलिंग को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है ये। अभी हमने एक प्रश्न किया था चंडीगढ़, उसमें भी स्पेलिंग को दो इक्वल पार्ट्स में बांटने के बाद रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखा था, ऐसा ही कुछ यहां किया गया। तो यहां अगर इसमें स्पेलिंग में अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको भी मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और दो इक्वल पार्ट्स में जैसे ही मैंने डिवाइड किया, शुरू का पार्ट उल्टा, सी ए आर एफ, सी ए आर एफ, टी आई ओ एन को बन जाएगा एन O I एंड T, तो ये कुछ ऐसा ऑप्शन आपको एग्जाम में दिखाई देगा अगर आप पुराना जो पेपर आया हुआ है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से जब भी कभी एक स्पेलिंग से लॉजिक क्लियर नहीं होगा तो उस कंडीशन में ये आपको दो स्पेलिंग ड्रॉ करके देगा, आपकी हेल्प करेगा ये। अब इस प्रश्न का आंसर 100% आना पॉसिबल है, यहां आप ये नहीं कह सकते कि तय नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यहां नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर हमारे पास ये स्पेलिंग ना दी होती, सेकंड स्पेलिंग ना गिवन हो, सिर्फ पहली पहली स्पेलिंग देकर ये पूछ लिया जाता, फिर आंसर आना पॉसिबल नहीं है, फिर आप नहीं बता पाएंगे शुरू के तीन अक्षरों की कहानी क्या है, क्या इनको बदला है या नहीं बदला। तो इस तरह से ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं जो इंटरचेंजिंग पर आधारित होते हैं। तो पहले प्रकार के प्रश्न हमने किए जो नंबरिंग पर आधारित होते हैं, दूसरे प्रकार के हमने प्रश्न किए जो इंटरचेंजिंग पर आधारित होते हैं। आइए हम तीसरे प्रकार के प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं, और जो तीसरे प्रकार के प्रश्न हमारे इसमें बनने जा रहे हैं वो प्रश्न कुछ होते हैं ग्रुप पर आधारित प्रश्न। ग्रुप से मतलब क्या है मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। देखिए टाइप 3 कह सकते हैं इसको हम, ये ग्रुप पर आधारित प्रश्न है कुछ। मान लो मैं कह देता हूं कि यदि राकेश का कोड है RAKESH IZP VHS, यदि राकेश का कोड है IZP VHS और मान लीजिए मैंने कोई भी लिख दिया शर्मा SHARMA, मान लीजिए मैंने पूछ लिया शर्मा का कोड क्या होगा, राकेश का कोड है IZP VHS, मैंने शर्मा का कोड आपसे पूछ लिया। तो जब हमारी कोडिंग रिकॉर्डिंग की पहली क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी 13 ग्रुप की, वो ग्रुप क्या थे, AZBYCXDWEVFUGTHSIRJQKPLOOR MN, ये कुछ 13 ग्रुप की बात की गई थी। तो अब ये प्रश्न कुछ इसी पर आधारित है, इसी ग्रुप पर आधारित है, क्या होने जा रहा है इसमें। यहां पहला अक्षर आपको R नजर आ रहा और इस तरफ I, A के साथ Z, K के साथ P, क्या इनका आपस में रिलेशन है कोई, क्या R का I के साथ रिलेशन है, क्या A का Z के साथ संबंध नजर आ रहा है, क्या K का P के साथ संबंध नजर आ रहा है। तो यहां जो है आपको नजर आया होगा कि इन अक्षरों को इनके ग्रुप के साथ बदला गया है। तो अगर यहां पे ग्रुप के साथ बदला गया है, ई का ग्रुप वी के साथ, एस का एच के साथ और एच का एस के साथ, अगर इस तरह से बदलकर लिखा गया है तो शर्मा इसमें भी वही होने जा रहा है, एस का ग्रुप होता है एच के साथ और एच का होता है एस के साथ, ए का ग्रुप जेट, आर का ग्रुप आई के साथ, एम का ग्रुप एन के साथ और ए का ग्रुप फिर से जेट के साथ। तो ये काफी आसान प्रश्न है, बहुत आसान है ये प्रश्न, जिसमें आपको दिए गए प्रश्न में डायरेक्ट आपको ग्रुप नजर आएंगे
और ग्रुप अगर आपके दिमाग में है, अगर आप ग्रुप याद है तो डायरेक्ट आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, बहुत आसानी से प्रश्न आप कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप का प्रश्न भी दो तरह से पूछा जा सकता है। दूसरी तरह से किस तरह से पूछा जाएगा, मान लीजिए एक स्पेलिंग है गोविंद, GOVIND गोविंद, गोविंद का कोड है WMRELT, और आपसे पूछा जाए दीपक का कोड क्या होगा, अगर ये प्रश्न आ जाए तो क्या होगा, गोविंद का कोड है WMRELT। अब अगर आपको याद हो हमने एक प्रश्न किया था कि यदि मंकी का कोड है XDJMNL तो टाइगर का कोड क्या होगा, हमने उस प्रश्न को रिवर्सिंग ऑर्डर में लास्ट से करना स्टार्ट किया था। कुछ ऐसा ही है, ग्रुप तो है लेकिन ग्रुप कहां से, लास्ट से। क्या डी का डब्ल्यू के साथ ग्रुप होता है, बिल्कुल दिखाई देगा डी का डब्ल्यू। क्या एन का एम के साथ होता है, बिल्कुल लास्ट में है। आई का आर से होता है, वी का ई से होता है, तो यहां हमें ग्रुप दिखाई दे रहे हैं लेकिन ग्रुप कहां से, लास्ट अक्षर से। ओ का ग्रुप एल के साथ होता है और जी का ग्रुप टी के साथ होता है, तो यहां सारे के सारे हमें ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप तो है लेकिन कहां से, उल्टे क्रम में, रिवर्सिंग ऑर्डर में है। तो यहां से ग्रुप बनाया जाए तो कहां से स्टार्ट होगा, लास्ट अक्षर के से। के का ग्रुप पी के साथ, ए का जेड के साथ, पी का के साथ, ई का वी के साथ, लेकिन वी कितनी बार, दो, क्योंकि ई दो बार आया है, और डी का डब्ल्यू के साथ। तो ये कुछ ग्रुप पर आधारित इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। हां, इसको इंटरचेंज कर सकता है। मान लीजिए इसी प्रश्न को मैं राकेश को इस तरह से लिख देता, आई जेड पी वी एच एस, हो सकता है क्रॉस में सॉल्व किया है, फिर से क्रॉस में सॉल्व किया है, फिर से क्रॉस में सॉल्व किया है। देखिए ध्यान से, आर ए, आर का बाद में ए का पहले, के ई, के का बाद में ई का पहले, एस एच, एच का बाद में एस का, सॉरी, एच का पहले और एस का बाद में। तो ये भी किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने दिमाग में अगर ग्रुप है तो हम इन प्रश्नों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। हमें बस ये पता हो कि किसका ग्रुप किसके साथ है। इन अक्षरों को देखते ही जैसे आपकी नजर इस पे जाएगी, आपके दिमाग में आएगा कि ये ग्रुप है, और ग्रुप है तो ग्रुप को किस तरह से हल किया गया है। तो इसमें नंबरिंग वाले प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, नंबरिंग के बाद हमसे इंटरचेंजिंग वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंटरचेंजिंग के बाद ये वाले ग्रुप वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबरिंग के प्रश्न काफी टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, प्लस की पूरी सीरीज, माइनस की पूरी सीरीज, एक बार प्लस एक बार माइनस की सीरीज, शुरू के तीन प्लस लास्ट के तीन माइनस, कुछ भी प्रश्न बन सकते हैं इसमें नंबरिंग पर आधारित। लेकिन जैसे ही आप इनकी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करते ही आपको दिखाई देगा कि इसमें हो क्या रहा है। तो आज की क्लास में हम यही खत्म करते हैं, जिसमें हमने कुछ प्रश्न किए हैं नंबरिंग वाले। नंबरिंग वाले प्रश्नों में आपको यह बताया गया कि अगर जेड के बाद आ जाए ए तो उसका 27वां, बी को 28वां अक्षर माना जा सकता है, हमेशा नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर अगर हमें ए या बी में से माइनस करना हो, जैसे हमने सी में से माइनस किया था तीन, तो सी में से एक माइनस किया, बी दो माइनस किया, ए तीन माइनस किया, जेड, कुछ इस तरह से प्रश्न किए गए थे। हमने प्रश्न किए नंबरिंग वाले, रिवर्सिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं, मंकी वाला एक प्रश्न हमने सॉल्व किया। फिर हमने प्रश्न किए इंटरचेंजिंग वाले, कि इंटरचेंजिंग के प्रश्न किस आधार पर पूछे जा सकते हैं। फिर हमने प्रश्न किए ग्रुप पर आधारित, कि ग्रुप पर आधारित प्रश्न किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का नया पार्ट कल लेके आते हैं। धन्यवाद।